जिला अस्पताल में तैनात रहते हैं निजी अस्पतालों के दलाल, मरीजों को वर्ग लाकर ले जाते हैं निजी अस्पताल। जिला अस्पताल के लेबर रूम तक पहुंचा निजी अस्पतालों की दलाली का संक्रमण। दलाली के इस संक्रमण को रोकना अस्पताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में निजी अस्पतालों के दलाल 24 घंटे तैनात रहते हैं, जो मरीजों को वर्गलाकर गली कुचारों में एकाध कमरे में अमानक तरीके से चल रहे निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, जहां गांव के गरीब लोगों से इलाज के नाम पर न केवल निजी अस्पताल मोटी रकम वसूलते हैं, बल्कि मरीजों और प्रसूताओं तथा नवजात की जान को भी खतरा रहता है। निजी अस्पतालों द्वारा वसूल की जाने वाली मोटी रकम में से दलालों को भी हिस्सा मिलता है। पूरे मामले में बड़ी चिंता की बात यह है कि निजी अस्पतालों की दलाली का ये संक्रमण जिला अस्पताल के लेबर रूम तक पहुंच चुका है। सूत्रों की माने तो दलाली के इस काले खेल में लेबर रूम में तैनात कुछ सरकारी कार्मिक भी शामिल हैं। हालांकि कुछ सरकारी कर्मी अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं, जो पूरे मन से मरीजों की सेवा में कार्यरत रहते हैं। आपको बता दें कि विगत सप्ताह भी ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें बसेड़ी इलाके की एक प्रसूता और उसके परिजनों को निजी अस्पताल की महिला दलाल द्वारा जिला अस्पताल के सामने संचालित लाइफलाइन अस्पताल में बरगला कर ले गई। मामला तब खुला जब लाइफलाइन अस्पताल में नवजात बच्चे की चिकित्सकों की लापरवाही से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था, तब दलाली का ये खेल प्रकाश में आया था। इससे पहले राधा रानी हॉस्पिटल बाड़ी रोड धौलपुर में भी एक प्रसूता महिला की मौत हो गई थी, जिसे लेकर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था। लाइफलाइन अस्पताल और राधा रानी अस्पताल के ये मामले तो दलाली के इस काले खेल के मात्र दो उदाहरण हैं। इसके अलावा धौलपुर शहर में करीब एक दर्जन अस्पताल ऐसे हैं जो दलाली के इस काले खेल से संचालित किए जा रहे हैं। इनमें ना तो ये पता है कि डॉक्टर कौन है और ना ये पता है कि यहाँ सफ़ेद कपड़े पहनकर नर्सिंग कर्मी का कार्य कर रहे कार्मिकों पर डिग्रियाँ भी हैं या नहीं। इन अमानक अस्पतालों ने अपने दलाल जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में तैनात कर रखे हैं, जो यहाँ आने वाली प्रसूता एवं अन्य मरीजों को वर्ग लाकर निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जिसके बदले निजी अस्पताल प्रबंधन इन दलालों को मोटी रकम देता है। आपको बता दें कि धौलपुर में संचालित निजी अस्पतालों में से कुछ अस्पताल तो वाकई जाने माने अच्छे डॉक्टर संचालित कर रहे हैं और यहाँ अच्छा इलाज भी होता है। इन डॉक्टरों के नाम से मरीज यहाँ खुद चलकर आते हैं। ये अस्पताल दलाली के इस काले खेल से कोसों दूर हैं। लेकिन इन अच्छे अस्पतालों के अलावा वर्तमान में धौलपुर शहर में करीब एक दर्जन अस्पताल ऐसे खुल चुके हैं जो अस्पताल न होकर अस्पताल के नाम पर एक धंधे की दुकान बना रखी है। इनके पास ना तो पर्याप्त बिल्डिंग है, ना प्रशिक्षित डॉक्टर और ना ही नर्सिंग स्टाफ है। ये अस्पताल कुछ एक कमरों में चल रहे हैं। इनके पास मानक तरीके से अस्पताल चलाने के संसाधन भी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में ये अस्पताल लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसलिए चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन संदिग्ध अस्पतालों के खिलाफ जाँच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिला अस्पताल के लेबर रूम तक पहुंचा दलाली का खेल, अस्पताल प्रशासन को भी है भनक। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निजी अस्पतालों की दलाली का ये काला खेल जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में स्थित लेबर रूम तक पहुंच चुका है। सूत्र बताते हैं कि लेबर रूम में तैनात कुछ सरकारी कार्मिक इन निजी अस्पतालों के दलालों से मिली है, जिन्हें निजी अस्पताल को सेवा पानी भी करते हैं। इस सेवा पानी के लालच में लेबर रूम में पहुंचने वाली प्रसूता के साथ सेवा पानी लेने वाली कार्मिक अच्छा व्यवहार नहीं करती और कठोर भाषा में बात करती है, जिससे प्रसूता और उसके परिजन तरह तरह से आशंकित हो जाते हैं। इसके बाद ही निजी अस्पतालों के दलालों की दलाली का षड्यंत्र रचने का काला खेल शुरू हो जाता है। निजी अस्पतालों से सेवा लेने वाले कार्मिक जैसे ही प्रसूता के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, तो वैसे ही निजी अस्पतालों के दलाल प्रसूता के परिजनों से संपर्क करते हैं और उसे निजी अस्पताल में सस्ते पैसे में अच्छा इलाज देने तथा तरह तरह की बातें बनाकर बरगलाकर उन्हें यहाँ से निजी अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ इलाज के नाम पर मोटी राशि वसूली जाती है, जिसमें से दलालों को भी हिस्सा मिलता है। लेबर रूम के दलाली के इस काले संक्रमण की जानकारी अस्पताल प्रशासन को भी है। इस मामले में जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार का कहना है कि हमें इस तरह की कुछ भनक लगी है, हम जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। इस दलाली के खेल को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। किसान और गरीब हो रहे दलाली के षड्यंत्र का शिकार। आपको बता दें कि जिला अस्पताल धौलपुर में ज़्यादातर गरीब और किसान परिवार के लोग ही इलाज कराने आते हैं तथा इन्हीं परिवारों की महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं और तेज तर्रार नहीं होते हैं, जिन्हें निजी अस्पतालों के दलाल अपनी लच्छेदार बातों में बड़ी आसानी से फंसा लेते हैं और इसके बाद बरगलाकर अमानक निजी अस्पतालों में ले जाते हैं,
जहां इनसे इलाज के नाम पर इनसे मोटी रकम वसूल की जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन को इन अस्पतालों की जांच करनी चाहिए ताकि किसान और गरीब लोग दलाली के इस काले षड्यंत्र का शिकार होने से बच सकें। जिला अस्पताल इसमें निजी अस्पतालों के दलाल तैनात हैं जो मरीजों को बरगला कर ले जाते हैं। ये आपका जो मैटर बताया मेरे संज्ञान में आया था और मेरे संज्ञान में ये भी है कि जो MCH हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं जिसमें प्राइवेट अस्पताल के दलाल MCH के एम्बुलेंस वाले दलाल उसमें सक्रिय रहते हैं। पहले भी हम लोगों को चिन्हित किया है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई कराई गई है और अभी भी हम इनको चिन्हित करेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।